नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे कि हमारी ह्यूमन बॉडी किस तरह से बनी हुई है, और दूसरी चीज आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से हमारे शरीर के अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। हम ये चीज क्यों पढ़ रहे हैं, देखिए अगर आप साइंस पढ़ रहे हो ना, तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमारी ह्यूमन बॉडी वर्क कैसे करती है। अगर आपने ये चीज समझ ली तो आगे बाकी चीज आपको समझने में आसानी होगी। जैसे कि आगे आप पढ़ोगे रेस्पिरेशन सिस्टम, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ोगे, तो ये सब जब आप पढ़ोगे ना, तो फिर अगर आपको अपने शरीर का बेसिक फंडा मालूम होगा तो आगे चीजें आप और आसानी से कर सकते हो। तो चलो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे जो शरीर है उसकी बेसिक यूनिट क्या है, यानी हमारा शरीर किस चीज से मिलकर बना हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए आप किसी एक घर में रह रहे हो, आप कहीं ना कहीं बैठ के ये वीडियो देख रहे होगे, किसी घर में बैठे होगे, तो उस घर को बनाने में बेसिक यूनिट क्या होती है, उसको घर को बनाने में जो बेसिक यूनिट होती है वो होती है उसकी ईंट। यानी ईंटे को मिला के आप क्या करते हो, घर बनाते हो, ईंट को जोड़ते जाते हो और घर तैयार हो जाता है। उसी तरह से जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसके लिए जो बेसिक यूनिट है वो होती है सेल। सेल को हम हिंदी में बोलते हैं कोशिका, ठीक है, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, जो सेल होती है उसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका। यानी कोशिका जो है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बेसिक यूनिट होती है। यही सेल बाद में मिलके क्या करते हैं, टिश्यूज को बनाते हैं। यानी सेल कंबाइन होगा तो सेल कंबाइन होके क्या बनाएगा, टिश्यू बनाएगा। टिश्यू को हिंदी में बोलते हैं ऊतक, यानी कोशिकाएं मिलके ऊतक को बनाती हैं। और फर्दर जब टिश्यू कंबाइन होते हैं तो फिर ऑर्गन्स बनाते हैं, जैसे कि स्टमक हो गया, लंग हो गया, पैनक्रियाज हो गए, तो फिर ये मसल टिश्यू क्या करते हैं, मिलके ऑर्गन को बनाते हैं। ये ऑर्गन फिर मिलके क्या होते हैं, ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं, यानी अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। यानी सबसे बेसिक यूनिट जो हो गई हमारे शरीर की वो सेल हो गया। सेल जब कंबाइन होती है तो टिश्यू बनाती है, टिश्यू कंबाइन होता है तो ऑर्गन बनाता है, ऑर्गन जब कंबाइन हो जाता है तो फिर ये ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करता है, ठीक है। तो ये होती है बेसिक यूनिट ऑफ अवर बॉडी। जैसे कि आपको और अच्छे से अगर समझा दे, तो जो ईंट होती है, ईंट को जोड़ते जाएंगे तो दीवाल बनती है, और दीवाल को जोड़ते जाएंगे तो आपका एक कमरा बन जाता है, और जब कमरे को आप जोड़ते जाएंगे तो फिर आपका घर बन जाता है। तो उसी तरह से कुछ हमारी बॉडी भी काम करती है। सेल एकदम बेसिक यूनिट होती है, सेल कंबाइन होकर टिश्यू बनती है, टिश्यू कंबाइन होकर ऑर्गन बनती है, और ऑर्गन कंबाइन होकर ऑर्गन सिस्टम या कहे तो हमारे शरीर का निर्माण करती है। अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो बॉडी है वो बेसिक फंक्शन करता कैसे है। तो देखो, हमारा जो शरीर है वो वायुमंडल से ऑक्सीजन लेता है, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेता है। और खाने में हम क्या करते हैं, बिना खाए क्या हम जिंदा रह सकते हैं, नहीं रह सकते, तो हमें खाना चाहिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए फूड चाहिए। जब ये ऑक्सीजन और फूड हमें मिल जाती है तो हम लाइफ को सरवाइव कर सकते हैं। यानी ये दोनों हमारे लिए बहुत आवश्यक होती है, ऑक्सीजन और फूड हमें जिंदा रखने में मदद करती है। यानी एटमॉस्फेयर से हम ऑक्सीजन लिए और फूड लिए, तो ये क्या होती है, कंबाइन होती है, कंबाइन होकर ये एनर्जी का निर्माण करती है। और क्या प्रोड्यूस करती है, CO2 प्रोड्यूस करती है। तो ऑक्सीजन हम लेते हैं और CO2 हम क्या करते हैं, वापस से वायुमंडल में छोड़ देते हैं। और ये जो एनर्जी होती है ये ब्लड के माध्यम से, ये ब्लड के माध्यम से कहां चली जाती है, तो कोशिकाओं तक चली जाती है। मैंने आपको बताया कि अगर एक ईंट को आप खाना दे दो तो फिर पूरा घर क्या होता है, वो खाना पा जाता है। उसी तरह से अगर आपके शरीर में हम सेल को खाना दे दें तो सेल तो बेसिक यूनिट हो गई, तो अगर इस सेल तक एनर्जी पहुंच जा रही है तो ये क्या होती है कि पूरे शरीर में आपकी फैल जाती है। क्यों, क्योंकि आपका पूरा शरीर किससे बना होता है, सेल से बना होता है। तो हमें क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन और फूड चाहिए होता है, और एनर्जी और CO2 का निर्माण होता है। ये जो एनर्जी है ये ब्लड के माध्यम से हमारी सेल तक पहुंच जाती है, जिसकी मदद से हम कार्य कर सकते हैं, हमको ऊर्जा प्राप्त होती है, आप चल फिर सकते हैं। तो जब तक खाना नहीं खाएंगे तब तक आप चल नहीं पाएंगे, और CO2 वापस से आपकी एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर कर दी जाती है। तो ये थी पूरी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।